और दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और फिटफाट होंगे। आज आज मैं अपना सेटअप में एक बॉक्स और मटिया फिट करने वाला हूँ अपने सेटअप में। तो इसके लिए मैं अभी जाके लेके आया हूँ, मैं और कुंदन भाई, हमारे कुंदन भाई साथ में हैं। कुंदन भाई बढ़िया आप सुनाए, तो कुंदन भाई भी हमारा साथ आए हैं। ये मटकी है, दिखाते हैं मटकी निकाले हुए, ये मटकियाँ लेके आए हैं। देखिए ये लब्बटों के लिए मटकी लेके आया हूँ, ये लब्बटों कब में लगेगा, ये मटकी छेद किया हुआ है, ये देखिए पहले ब्रीड करी हुई है, इसमें पहले भी ब्रीड कर चुके हैं, ब्रीड करी जाए मटकी बढ़िया रहती है। हाँ करते हैं। अच्छा, और बाकी जो है कुंदन भाई से ये कूची लेके आया हूँ, कुछ कूची है क्योंकि आज इसको फिट भी करना था, इसलिए मैं कूची वगैरह लेके आया हूँ, सब कुछ आज कंप्लीट करना था वो भी लेके आया हूँ। कुछ बॉक्स लेके आया हूँ, ये लब्बटों के लिए ब्रीडिंग बॉक्स, ये भी वहीं से लेके आया, कनकपुर रखा हुआ था, नीचे पड़ा था, ये थोड़ा फिटफाट करना है इसको भी, ये है। और कुछ अभी इसमें फिट करना है, और अभी तक कुछ फिट भी कर दिया, तो ये जो है लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, इसमें थोड़ा छोटा हो गया है मटकियाँ, जो बजीज की मटकियाँ है ये, जब से लब्बट के लिए है ये। और ये देखिए मेरा टेम लब्बट, इसके ऊपर एक वीडियो बना था आप लोगों के सामने, ये देखिए। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, चलिए चलते हैं डायरेक्टली, चल मटकी वगैरह लगाते हैं। हाँ, और वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये देखिए पहुंच गए हैं, और ये लब्बट के लिए हमने बॉक्स भी लगा दिया, और सॉरी मटकी लगा दिया, कुछ मटकी जो है ये बाहर कर दिया, क्योंकि ये बजीज के लिए मटकी थे, और बजीज के लिए बहुत छोटा, लब्बट के लिए बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि इसमें कूची वगैरह से डालेंगे तो और भी जगह उसमें जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमने वो खोल दिया। दरअसल थोड़ा सा दिक्कत ये भी हो गया कि मैंने इसमें पहले से इनको पता नहीं चला, तो अचानक आके दे दिया, तो इसमें अभी इसी में सेट हो गया, अब सोच रहे इसको हटाऊंगा नहीं, बाकी इन लोगों को दूंगा लगा, और जो भी होगा इसमें देखा जाएगा। अभी तो एक तीन पियर है इसमें, तीनों पियर के लिए भी लगा दूंगा, तो वीडियो में सब बने रहिएगा, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अभी बाहर भी लगाना है, अंदर का भी बॉक्स भी लगाएंगे, वो भी आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। और चलिए चलते हैं, पहले इसको यहीं से शुरू करते हैं, पहले कुछ लगा देता हूँ इसमें, इसके अंदर मैक्सिमम मटेरियल जो है मैं डाल देता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा डालने से जगह भी कम हो जाएगा, चक्कर में लगा देता हूँ, बाकी जो चाहिए होगा ये खुद ब खुद ले लेंगे। और लब्बर देखिए मेरे सर पे आके बैठ जाते हैं, ये वाले, और अंदर जो है एक पेयर कॉकटेल है, वो भी सर पे आके बैठ जाते हैं, दो चार जो ऐसा है हमारे पास। और इस पर ढक्कन भी लगा दूंगा, ढक्कन भी है उधर, कम नहीं पड़ेगा कुछ भी चीज़, सारा चीज़ मैंने कर लिया अपने पास, दिक्कत ना हो, बाकी लब्बट खुद ब खुद चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से, बाकी इनको जो भी जरूरत होगा जिसको भी वो अपने हिसाब से ले लेंगे। लेकिन नीचे हो गया, नीचे हो गया तो ये घुमा के हमने एक मटकी लगा दिया, मतलब दो मटकी, ये लग चुका है, यह है। तो इनके लिए यह कंप्लीट हो गया, अब चलेंगे अंदर, और अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे, उन लोगों को बॉक्स लगाना है, और कॉकटेल को बॉक्स लगाना है, लब्बट को मटकी लगाना है। तो वीडियो के साथ बने रहेगा, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए चलते हैं बाहर, और बाहर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया लगाने के लिए, बजीज के लिए लगा देता हूँ पहले, क्योंकि इसको भी चेक करना है ना, तो चक्कर में पहले मैंने बजीज के लिए लगा दिया, और इसे हम ब्लॉक को जो है खोल दिया। और उससे पहले मैं इधर दिखाना चाहता हूँ, एक बॉक्स हमने पहले लगा दिया हूँ, ये इसको भी चेक करना है, बाकी लग चुका है, देखिए इनको जो देखने का तरीका जो है, मतलब बच्चे अंडे बच्चे जब होगा तो कैसे देखेंगे, वो इधर से ये सिस्टम लगाया था। और ये बॉक्स मैंने खोला हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया ये बॉक्स मैंने कैसे खोला था, क्योंकि इस ये वाले बॉक्स के अंदर
ये जो बुल सब ये सेटअप देख रहे हैं, इस सेटअप में ये बॉक्स चार लगे हुए थे, तो ये चारों के चारों मैंने खोल दिया। खोलने के बाद इसमें लगा दिया, इसमें बहुत ज़्यादा चूहे वगैरह थे और इसमें पीओपी वगैरह का सिस्टम था, वो सारा निकाल के फेंक दिया, उसके बाद ये लगा दिया। और बाकी अभी और बाकी है, इधर देखिए मैंने चारों के चारों मच्छी और खोल के बॉक्स और खोल के रख दिए हैं, इनको भी फिट करना है, इन्हें भी थोड़ी देर बाद फिट करूँगा। पहले मैं बॉक्स दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इधर जो पेयर देख रहे हैं, इधर कुछ ये बुल हैं और इनके भी बुल हैं, इन लोगों के लिए सीधा पहले मैं वो लगा देता हूँ मच्छी, उसके बाद आप लोगों को लेट करता हूँ। ये मैंने लगाने के लिए लेके आया हूँ नंबर के लिए, ये एक पेयर बुल है मेरे पास, इस बुल के लिए लगा दे रहा हूँ इसको, और बाकी एक पेयर तो उधर है उसके लिए भी लगाऊंगा। तो इस तरह ही शुरू कर दिया मैंने लगाना स्टार्ट। कुंदन भाई थोड़ा बताइएगा किस प्रकार से रहेगा, थोड़ा फंस रहा है, डंडा हटाना पड़ेगा, डंडा हटाना पड़ेगा, चलो डंडा ही लगा। तो ये फाइनली हमारा एक मच्छी जो है ये मैंने लगा दिया, और इसके लिए ये बाइक स्टेक लगा दे रहा हूँ, क्योंकि मच्छी के सामने से डायरेक्ट स्टेक होना चाहिए जहाँ से इनका आना जाना हो और पास रहे, इसके लिए मैंने ये लगा दिया। तो ये देखिए इसका थोड़ा सा मैं डिस्टर्बिंग भी ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा फिट कर दिया, इसमें पहले से फिट है, ये वाला वाला हो गया, ये भी लगा दिया, एक ऊपर का ये एक लगा दिया, और बाकी इसको लगाऊंगा नहीं क्योंकि ये अभी जाएगा कहीं पर, इसको बाद में लगाऊंगा, देखते हैं। बॉक्स तो मैंने लगा दिया, वो तो आप लोगों ने देख लिया, एक किया अभी बॉक्स और लगाना है, एक यहाँ लगा दूंगा और एक ये नीचे के लिए लगा दूंगा, दो लगा दूंगा अभी बॉक्स, बाकी और हमारा कुछ नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो आप लोगों को बॉक्स लगाने के बाद पूरा फिटिंग करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार मैंने लगाया हूँ, कहाँ कहाँ लगा दिया सब दिखाता हूँ। कुछ बच्चियाँ मैं इधर भी लगा दूंगा, मेरे पास अच्छे का पड़ा हुआ है, वो बच्चे इसके लिए लगा दूंगा, कहीं भी डिस्टर्ब ना हो, तो सारे जगह पर मट्टी वगैरह टांग दूंगा, कहीं भी ब्रिज कर ले, मतलब ब्रिज का मतलब है सर बने रहेगा। अभी तो फाइनली मैं मट्टी लगा दे बॉक्स लगा देता हूँ, और मट्टी को लगा दिया, बॉक्स लगाने का काम रहेगा, बट बॉक्स लगा देता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ प्रकार लगाए। तो फाइनली हमारा पूरा ब्रीडिंग बॉक्स लगाना कंप्लीट हो गया है, और इधर हमने छेद भी कर दिए हैं आने जाने के लिए, ये एक लगा दिया और एक ये लगा दिया, ये देख पा रहे हैं। और अभी इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा ब्रोडा, ये लेके आया हूँ मैं, ये लेके आया हूँ और आप लोगों को दिखा के थोड़ा डाल देता हूँ, क्योंकि छेद कर दिया तो आज से ही ये लोग क्या पता बैठना स्टार्ट कर दें, तो ये थोड़ा डाल देता हूँ, ये देखिए इस प्रकार। एक का कंप्लीट हो गया है और बाकी बचा ऊपर का, इसको भी मैंने ऊपर का छेद कर दिया, इसको भी दे देता हूँ। कहने की मैं लेके आया हूँ, हर रोज लोग खरीद के लेके आता है, यहाँ मैं बिना खरीद के लेके आया हूँ किसी दुकान से, हमारे यहाँ पे दुकान है एक, दुकान से लेके आ गया हूँ, उन्होंने दे दिया कर ले जाओ। ओके, बारीक बारीक मशीन से, वो मशीन चल रहा था तो ये बारीक बारीक निकल रहा था, तो मैं यही लेके आ गया। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, पिछली बार उसने दिया था, इसमें इसमें भी मैंने यही दिया हूँ, इसी में भी दे रहे हैं, और वो ज़बरदस्त रह गया था। बाकी इनका भी दूंगा नहीं, मैं थोड़ा रेस्ट दिया हूँ, बाद में दूंगा आपको, 15-20 दिन बाद उसको मट्टी लगाऊंगा। बाकी इनका मट्टी मैंने कंप्लीट कर दिया, ये भी लग गया है, और इनका भी लग गया है, इनका तो आना जाना भी शुरू हो गया, अभी इनका अभी लगा दूंगा मट्टी, एक
ये भी आना जाना कर देगा, अभी शुरू कर देगा। बाकी देखिए ये बेबी बच्चे बजी इसके जुआर निकला है, दो बच्चे बहुत दिन बाद। ये देखिए तो वीडियो यहीं तक ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।